हाँ तो देखिए, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो इसमें हम करेंगे a अपॉन ए एक्स माइनस वन माइनस बी इधर ले आएंगे प्लस बी अपॉन बी एक्स माइनस वन ए इधर ले आएंगे, तो ये हमारा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई जो डिनोमिनेटर के जो टर्म्स हैं उनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स माइनस वन इंटू बी एक्स माइनस वन, तो ये हमारा हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए एक्स माइनस वन प्लस बी माइनस ए इंटू ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस वन सॉरी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये हमारा हो जाएगा ए माइनस बी ए एक्स प्लस बी माइनस ए बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू हो गया हमारा 0। एंड ये यहां पर हो जाएगा, देखिए टू टाइम्स ए लिखा है एंड टू टाइम्स बी लिखा है, तो ये हमारा हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, और इधर आ जाएगा टू टाइम्स हमारा ए बी एक्स लिखा है, तो टू टाइम्स ए बी एक्स ये हमारा आ जाएगा। सो टू से टू हमारा कट जाएगा और ए प्लस बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू एक्स आ गया, और यहां से हम कह सकते हैं कि जो एक्स की जो वैल्यू है वो ए प्लस बी अपॉन ए बी है, जो कि हमारा आंसर है।